हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूर्ण कुमावत, और हम लोगों ने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हम एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी तीनों क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उसके बाद में हमने ब्रायोफाइट्स देखे। ब्रायोफाइट की स्टडी को ब्रायोलॉजी बोला जाता है, और ब्रायोफाइट्स को बेसिकली एम्फीबियन बोला गया था प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते थे एंड सॉइल के ऊपर भी इनकी प्रेजेंस थी। मेनली वाटर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है। फिर हमने इनके लाइफ साइकिल को स्टडी किया, तो हैप्लोडिप्लोंटिक टाइप का इनके अंदर लाइफ साइकिल देखने को मिला। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी जो मेन बॉडी है, इनकी मेन बॉडी जो है वो हैप्लोइड है, गैमेटोफाइट होती है। और दूसरा जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हमें ब्रायोफाइट का देखने को मिला था वो ये था कि इनका जो स्पोरोफाइट है, इनकी डिप्लोइड स्टेज जो होती है, टू एन स्टेज, वो डिपेंड करती है हैप्लोइड स्टेज पे, यानी कि गैमेटोफाइट पे। तो इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, एंड दिस इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। प्लस इनका अगर लाइफ साइकिल देखा जाए तो वो किस तरीके सा हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिल रहा था। तो अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो डायग्रामेटिक, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर आप ब्रायोफाइट्स के अंदर ध्यान से देखें तो ये है मैच्योर गैमेटोफाइट, यानी कि मेन प्लांट बॉडी तो यही है, मेन प्लांट बॉडी। और गैमेटोफाइट है, दैट मीन ये क्या है, हैप्लोइड है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एंड लीफ भी प्रेजेंट है। सबसे यूनिक पॉइंट है कि इनका जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंस अगर आप देखो तो गैमेटोफाइट यहाँ पे लीफी गैमेटोफाइट है, दैट इज अ वेरी यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट। पूरे प्लांट किंगडम में और कोई भी गैमेटोफाइट कभी भी लीफी नहीं होता, लीव्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर ये हमें मॉसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अभी हम ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब वो चीज़ ये आपको क्लियर करूँगी। पर अभी आप ये देखिए कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो इस तरीके से होती है, और इस मेन प्लांट बॉडी पे एक ब्रांच पे तो फीमेल गैमेटोफाइट और एक ब्रांच पे मेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये खुद मेन प्लांट बॉडी हैप्लोइड है, तो ये दोनों भी मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडी है या फिर गैमेटोफाइट है, ये भी क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। फिर अगर आप देखते हो तो मेल से तो क्या फॉर्मेशन होता है, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनता है, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम के पास स्पर्म यानी कि पोलन ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस तरीके से एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं, और इन एंथ्रीडियम से इस तरीके से पोलन ग्रेन या स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो वाटर की हेल्प से, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की हेल्प से ये आर्किगोनिया के अंदर जाती है, और आर्किगोनिया इस तरीके से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो वाटर की हेल्प से ये स्पर्म जो है वो आर्किगोनिया तक पहुँचते हैं। सेम विद इन गैमेटोफाइट यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो उस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। देन हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो ये भी हैप्लोइड है, क्योंकि और स्पर्म भी यहाँ पे क्या, हैप्लोइड। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ने इनको बनाने के लिए डिवीजन कौन सा किया है, माइटोसिस डिवीजन किया है, क्योंकि ये दोनों खुद से ही क्या है, हैप्लोइड है। अब इनके अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो टू एन स्टेज बनती है, और वो क्या है, जायगोट। तो इस तरीके से अंदर एक क्या बन गया, जायगोट बन गया। जायगोट फिर आगे किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, आगे माइटोसिस डिवीजन करता है, और माइटोसिस डिवीजन करके 2N एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो फिर है आगे किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट, यानी कि डिप्लोइड स्ट्रक्चर जो कि स्पोरोफाइट है। तो आप देखोगे कि ये आर्किगोनिया है, फीमेल गैमेटोफाइट पे ही ये सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो इस आर्किगोनिया में इस तरीके से क्या बनने लग गया, एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, डेवलपिंग फॉर्म हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद जो स्पोरोफाइट जब डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर हमें इस आर्किगोनिया से अटैच होने के लिए फुट लॉन्ग सीटा की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, और अपर साइड में एक डेवलपिंग कैप्सूल। तो इस तरीके से जो इनका स्पोरोफाइट होता है बेसिकली फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड होता है। कैप्सूल जो होते हैं जैसे ही राइप्ड होते हैं यानी कि मेच्योर होते हैं, तो इन कैप्सूल के अंदर बेसिकली स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पोर मदर
सेल, और ये क्या हो गए, डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे की सारी स्ट्रक्चर कैसे चल रही है, डिप्लॉयड चल रही है, जायगोट डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, और जो स्पोरोफाइट है ये भी डिप्लॉयड है, और स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल, सीटा और फुट ये भी डिप्लॉयड है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब ये स्पोर मदर सेल आगे डिविजन करती है, रिड्यूसिंग डिवीजन, यानी कि मियोसिस परफॉर्म करती है। मियोसिस डिवीजन से क्या होगा कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पोर क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। अब यहाँ पे दो टास्क है, या तो ये जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्ट ही किसमें मैच्योर हो जाते हैं, गेमेटोफाइट में, मेन प्लांट बॉडी में डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन तो हमें लीवर वर्ट में देखने को मिलता है, लीवर वर्ट के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि जो स्पोर होते हैं वो डायरेक्ट ही मेन प्लांट बॉडी, यानी कि जहाँ से हम चले थे वहीं आके ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बात करें तो अगर मॉसेस की अगर हम बात करें, मॉसेस जो कि डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये स्पोर है, और जब ये जर्मिनेट होता है तो एक ऐसे इस तरीके से प्रोटीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर को हम फिलामेंटस ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं, और इस प्रोटोनीमा के ऊपर क्या बनते हैं, बड का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटोनीमा पे बड बना, और फिर बड जो है आगे किसके अंदर डेवलप होता है, मेन प्लांट बॉडी के अंदर, यानी मैच्योर गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है। तो इस तरीके से कुछ ब्रायोफाइट्स के स्पोर तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर गैमेटोफाइट में, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रोटोनीमा बनाते हैं, तो प्रोटोनीमा की प्लोइडी भी हैप्लोइड होगी, बड भी हैप्लोइड बनेगा, और इससे जो मेन प्लांट है वो भी हैप्लोइड बनता है। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ देखो कि जो ये लाइफ साइकिल है यहाँ पे, वो है ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है इस डायग्राम में, अगर आप देखोगे तो गैमेटोफाइट जो है वो नीचे प्रेजेंट रहता है, और गैमेटोफाइट के ऊपर क्या अरेंज रहते हैं, स्पोरोफाइट अरेंज रहते हैं। तो गैमेटोफाइट एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, और स्पोरोफाइट एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये डिप्लोइड होते हुए भी किस पर डिपेंड करती है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रायोफाइट के जो लाइफ साइकिल था उसको वापस से रिकॉल किया है, एम्फीबिया बोला जाता है। नाउ अब हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को बेसिकली तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो डिवाइडेड into three classes, total तीन classes में divide किया गया है। कौन कौन सी हैं वो तीनों classes, पहली class का नाम है Hepaticopsida, second जो class है उसको बोला जाता है Anthoceratopsida, और जो third class है उसको Bryopsida बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन क्लासेस में हमने ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर हिप्पेटोप्सिडा, ठीक है, जो कि पहली क्लास है। सबसे आप यूँ समझ सकते हो कि हिप्पेटोप्सिडा जो है लोअर ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, यानी कि सबसे कम डेवलप, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स अभी भी एल्गा से मैच करते हुए नजर आएगी, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है इनकी, जो गैमेटोफाइट है वो एज ए रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, बॉडी जो रहेगी इनकी थैलस लाइक होती है, एल्गा की भी थैलस लाइक थी, लेकिन इसके अंदर बाकी के करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एल्गा से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो बेसिकली हम देखते हैं पहले हिप्पेटोप्सिडा। तो हिप्पेटोप्सिडा जो है इसको कॉमन लैंग्वेज में लीवर वर्ट के नाम से जानते हैं, लीवर वर्ट्स। अब आप देखो लीवर वर्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनका जो थैलस होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसकी शेप है वो जस्ट लीवर लाइक होती है। रीज़न क्या है कि इस क्लास के पास जो शेप है थैलस की, शेप थैलस की किसकी जैसी होती है, लाइक है लीवर, ठीक है, या तो लीवर जैसी होगी, या फिर इनके जो थैलस की बात यानी कि
थैलस यानी कि मेन प्लांट बॉडी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो थैलस है वो या तो किस शेप में होगा, लीवर लाइक होगा, या फिर वो एज अ फ्लैटेड बिल्कुल चपटा भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर लीवर लाइक है तो हम एग्जांपल में रखेंगे मार्केंशिया। आपको यहाँ पे एग्जांपल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको डायरेक्ट एग्जांपल देके पूछ लिया जा सकता है कि ये ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है। तो मार्केंशिया और रिक्शिया दोनों ही क्या है, ब्रायोफाइट्स है, लेकिन हिप्पेटोप्सिडा क्लास से बिलोंग करते हैं। आपके एनसीईआरटी ने ना ब्रायोफाइट को सिर्फ दो ही ग्रुप में डिवाइड किया है, एक लीवरवर्ट और एक मॉसेस, ठीक है। उन्होंने हिप्पेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में डिवाइड किया है, एंथोसेरोप्सिडा नहीं उन्होंने बताया, लेकिन हम यहाँ पे एंथोसेरोप्सिडा को भी डिस्कशन करेंगे। मेनली आपको हिप्पेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा तो करना ही करना है। तो जो लीवरवर्ट होते हैं इनकी जो जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, और थैलस का जो शेप है या तो बिल्कुल फ्लैटेड होगा या फिर वो लीवर शेप का होगा। लीवर शेप का होगा तो एग्जांपल यहाँ पे किसको रखेंगे, मार्केंशिया को, और अगर फ्लैटेड है तो एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे रिक्शा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो इनकी प्लांट बॉडी है यानी कि जो ये थैलस है, इस थैलस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस थैलस के अंदर रायजोइड स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो अगर हम देखें कि इनके ऊपर एक प्रॉपर इनका जो थैलस है वो डिफरेंशिएटेड अगर देखें तो वो किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्या मिलेंगे, रायजोइड्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी जो कि एज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और प्लस यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, स्केल्स भी इनके थैलस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट कहाँ होती हैं, ऑन थैलस ऑफ लीवरवर्ट, ठीक है। अब अगर हम राइजोइड की बात करें तो राइजोइड बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं इनके अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आगे जब हम ब्रायोफाइटा के अलग मेंबर यानी कि मॉसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, वहाँ पे राइजोइड जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इनके राइजोइड है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, प्लस यहाँ पे जो राइजोइड होंगे वो अनब्रांच्ड भी होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर होंगे और अनब्रांच्ड, ठीक है। वहीं अगर हम इनके स्केल्स की बात करें तो स्केल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। लीफी मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर, छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो टू रोज के अंदर यहाँ पे ये इनके अंदर लीफ की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो थैलस होता है, इस थैलस के ऊपर टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। प्रॉपर लीफ तो हमें नहीं देखने को मिलती इनके अंदर, इन टू रोज में प्रेजेंट होती है ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लीवरवर्ट का हमने अभी थैलस देखा, अब इस लीवर वर्ट के अंदर अगर हम देखें कि स्पोरोफाइट जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, यानी कि लीवर वर्ट का स्पोरोफाइट जो डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, तो अभी हमें पता है कि इनका जो स्पोरोफाइट है लीवर वर्ट का वो कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन गैमेटोफाइट, यानी कि मेन प्लांट बॉडी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करेगा। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लीवर वर्ट का ही स्पोरोफाइट कम्प्लीटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के लिए। किन किन चीज़ों के लिए डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली फूड के लिए, वाटर के लिए एंड हैबिटेट के लिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए ये स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इनका जो स्पोरोफाइट है वो कितने पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ
तो स्पोरोफाइट बेसिकली तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, एक फूड है, एक सीटा और एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, वो ये कि लीवर वर्ड के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शनली, जैसे कि रिक्शा की अगर हम बात करें, रिक्शा यहाँ पे एक्सेप्शन होगा क्योंकि रिक्शा के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, रिक्शा का जो स्पोरोफाइट होता है वो सिर्फ रिक्शा का जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, यानी कि उसमें फुट और सीटा की प्रेजेंस नहीं होती। ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि लिवर वर्ड के दो एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्केंशिया और रिक्शिया। तो जो मार्केंशिया है वो तो हमें पता है कि उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों में डिफ्रेंशिएट होता है। अगर डायग्रामेटिक हम देखें तो आपको इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे फुट होता है, देन ये लॉन्ग स्टॉक सीटा है और ऊपर कैप्सूल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। मेन गैमेटोफाइट जो है, ये गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्पोरोफाइट जो होता है लिवर वर्ड का, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। लेकिन इसके कुछ मेंबर जैसे रिक्शिया है, तो रिक्शिया के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ है, कैप्सूल का बना होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट रहता है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो लिवर वर्ड है उनमें एक और पॉइंट सबसे यूनिक रहता है, और वो है कि जो ये लिवर वर्ड होते हैं इनके अंदर ट्रू इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी कि ट्रू इलेटर्स की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर, सब पे तो नहीं होता, सब मेंबर ऑफ लीवर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ट्रू इलेटर्स की प्रेजेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है, मार्केंशिया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, मार्केंशिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर इलेटर्स का फंक्शन देखें तो इलेक्टर्स जो होते हैं इनका नेचर तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि जो ये इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए हम लोग कंप्लीट लीवर वर्ड का, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, ब्रायोफाइट को तीन क्लासेस में बांटा है। सबसे पहले हम लीवर वर्ड देखते हैं, लीवर वर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो थैलस है उसका शेप लगभग केस में लीवर वर्ड जैसा होता है या फिर फ्लैट होता है। ठीक है, इनके थैलस के ऊपर राइजोर और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को यहाँ पे मिलती है। स्पोरोफाइट जो होता है कम्प्लीटली डिपेंड करता है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनका यानी कि लीवर वर्ड का जो स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के लिए, फूड के लिए भी, वाटर के लिए भी और हैबिटेट के लिए भी, तीनों चीज़ों के लिए कम्प्लीटली डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो लीवर वर्ड होते हैं बेसिकली हम इनको लोअर ब्रायोफाइट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अभी इनके पास एक वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट नहीं आया है जिसके ऊपर एक रूट, स्टेम और लीफ तीनों लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। इसके बाद में अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो इनका स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पे रिक्शिया एक एक्सेप्शन के फॉर्म में आएगा। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, कैप्सूल का बना होता है। इलेटर्स की प्रेजेंस मार्केंशिया में देखने को मिलती है जो स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। लीवर वर्ड के एग्जाम्पल देखें हमारे पास कि लीवर वर्ड के क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल में एक तो मार्केंशिया आएगा ही आएगा, मार्केंशिया। ठीक है,
रिक्सिया और एक पोरेला। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि रिक्सिया जो है इसका अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्सेप्शनली इनका जो स्पोरोफाइट जो होता है वो सिर्फ कैप्सूल का बना होता है। तो रिक्सिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, यानी कि स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज द सिंपलेस्ट। तो अगर क्वेश्चन आए कि सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा रिक्सिया का सबसे सिंपलेस्ट होता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, कैप्सूल का बना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है वो है एंथेरोसिडा। लेकिन उससे पहले हम इनके अंदर अभी रिप्रोडक्शन हम लोगों ने नहीं देखा ना, तो पहले रिप्रोडक्शन देखते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर आएंगे। तो अभी हम लोग पहले इनके अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमिना देखते हैं, यानी कि लीवर वर्ड के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स, ठीक है, लीवर वर्ड्स के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो फोर्स्ड रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कंसिडर करते हैं। एसेक्सुअल भी बोल सकते हो या फिर आप इसको वेजिटेटिव भी बोल सकते हो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फोर्स्ड रिप्रोडक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो लीवर वर्ड के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो पहला तो हमें एज ए फ्रेगमेंटेशन ही देखने को मिलता है, ठीक है, और सेकंड जो टाइप देखने को मिलता है वो है बडिंग, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं इनके पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और तीसरा अगर हम देखें बडिंग से भी थर्ड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है कि इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी कि थर्ड अगर हम देखें तो इनके थैलस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करती है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, और इसको किस नाम से जानते हैं, गैमी, या फिर हम इसको गैमा के नाम से भी सिंगुलर फॉर्म देखा जाए तो आंसर आएगा गैमा, यानी कि ये इसका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो गैमी या गैमा की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। तो पहले अगर हम देखें कि ये गैमा क्या होते हैं, तो बेसिकली गैमा जो है वो एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर है, और ये मैंने बडिंग पहले ही बता दिया तो ये एक काइंड ऑफ बड ही है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक एसेक्सुअल बड है, यानी कि आप बडिंग में ही इसको रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ये एक एसेक्सुअल बड है। और ये डिवेलप कहाँ होती है, तो ये डिवेलप होती है इन स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको रिसेप्टल्स बोला जाता है, इसको हम गेमा कप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये गेमा कप लोकेटेड कहाँ होते हैं, लोकेटेड ऑन दी थैलस पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और ये गेमा पेरेंट बॉडी से डिटैच होके और जर्मिनेट करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को। तो ये जो गेमा होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं मैचुरेशन के बाद में फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और उसके बाद में क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल या न्यू ब्रायोफाइट या लिवर वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम गेमा का मार्केंशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि गेमा किस तरीके से देखने को मिलते हैं, तो उससे पहले हम गेमा और सेक्सुअल दोनों स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं।
तो आप यहाँ पे देखोगे ये तो था सारा का सारा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर लिवर वर्ड में, सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी साथ ही देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। और फीमेल को बोलते हैं सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। तो ये तो जो है वो एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और जिस टॉप पे ये लगते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो एंथ्रीडियोफोर जहाँ पे डेवलप होता है उस स्टॉक को हम एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। और जहाँ आर्किगोनिया लगता है उसको हम आर्किगोनियोफोर बोला जाता है, गोनियोफोर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये सेक्स ऑर्गन है इनका डेवलपमेंट सेम थैलस पे भी हो सकता है और डिफरेंट थैलस पे भी हो सकता है। तो सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप्स ऑन सेम थैलस और डेवलप्स ऑन डिफरेंट थैलस। सेम थैलस पे होंगे तो वो थैलस एज ए हम डायोशियस कंसिडर करेंगे, और दो अलग अलग होंगे तो मोनोशियस होगी, जिसमें मेल थैलस अलग होगा और फीमेल थैलस अलग होगा। तो यहाँ पे अगर सेम थैलस पे डेवलप हो रहे हैं तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे रिक्सिया, ठीक है। और अगर वो अलग अलग थैलस पे डेवलप हो रहे हैं तो आंसर आएगा यहाँ पे मार्केंशिया, ठीक है। अब हम जो हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो ये रिप्रोडक्शन आया है इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये किस तरीके से दिखते हैं। तो आप इस डायग्राम में मार्केंशिया को यहाँ पे दिखाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो मार्केंशिया में अगर देखोगे ये फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया है और ये जो डायग्राम है मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया है। तो पहली चीज तो हम इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो मेन बॉडी होती है वो क्या है, गैमेटोफाइट, और वो क्या है, थैलस लाइक है, यानी कि ये इनके क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, और वो क्या है, हैप्लोइड है, ठीक है। और ये क्या होती है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर राइजोइड्स की प्रेजेंस रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। और इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। इन स्पेशल स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, गेमा के नाम से जानते हैं। और गेमा किसके अंदर बनते हैं, गेमा कप के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो गेमा होते हैं ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बर्ड एज एक सेक्सुअल बर्ड भी आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड, जो हमने अभी डिस्कशन किया। तो फीमेल थैलस पे जो सेक्स ऑर्गन होगा यानी कि ये जो है वो क्या है, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ठीक है। और ये जो है वो एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जिस स्टॉक पे ये लगते हैं यानी कि ये जो स्टॉक है जहाँ पे आर्किगोनिया लगते हैं उसको आर्किगोनियोफोर, और जहाँ पे एंथ्रीडिया लगता है वहाँ पे एंथ्रीडियोफोर वर्ड यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कभी कभी क्या है, ये दोनों थैलस दे दिया जाता है लेबलिंग हटा के, और आपसे बोला जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो इनके अंदर मेल थैलस कौन सा है और फीमेल थैलस कौन सा है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे कि फीमेल थैलस को अगर आप गौर से देखो
तो फीमेल थैलस के अंदर जो आर्किगोनिया है बड़ा ही सुंदर और क्लियरली अपीयर होता है इस तरीके से। अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत अच्छे से क्लियरली अपीयरेंस देती है आर्किगोनिया की। लेकिन मेल के अंदर अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको देखेगा ये बहुत ही रफली अरेंज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो N3DO4 है वो काफ़ी रफ एंड टफ सा दिखाई देता है, जबकि फीमेल जो है वो बहुत ही क्लीन दिखाई देती है। तो आर्किगोनिया और N3DO4 की वजह से ही आप मेल और फीमेल थैलस को आप पहचान सकते हो, अदरवाइज आपको दोनों थैलस एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्ट्रक्चर्स आपको एक ही थैलस पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल थैलस जरूर अलग है, ठीक है, क्योंकि गैमा कप दोनों ही थैलस पे बनते हैं क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम सेकंड क्लास पे आते हैं और वो है एंथोसेरोटोपसीडा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हॉर्न वर्ट बोला जाता है कॉमनली, हॉर्न वर्ट्स। तो ये क्या है, हॉर्न वर्ट्स होते हैं, ठीक है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका जो थैलस है उसके ऊपर उसकी जो अपीयरेंस है तो उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं यानी कि जो स्पोरोफाइट जो होते हैं इनके थैलस पे जो ग्रो करते हैं वो होल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप बोल सकते हो कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो होल लाइक दिखाई देती है, इसीलिए इनको होर्न वर्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, तो हम देखें कि इनकी जो इनकी भी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है, प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है और उसके ऊपर जो स्पोरोफाइट है वो होर्न शेप में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इनकी भी प्लांट बॉडी क्या है, थैलस लाइक है, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी प्लांट बॉडी के ऊपर स्केल्स एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन इनकी प्लांट बॉडी पे राइजोइड्स की जरूर प्रेजेंस देखी जाती है। थैलस जो है वो सरफेस से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। और इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनके राइजोइड जो है ये भी यूनिसेलुलर है, लीवर वर्ट की तरह, और अनब्रांच्ड है। होर्न वर्ट जो है इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो आपको लीवर वर्ट से और कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनको मॉसेज यानी कि ब्रायोप्सिडा के साथ मैच करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो इनकी मेन प्लांट यानी कि गैमेटोफाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब हम देखते हैं इनका स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट यानी बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया जो कि थैलस लाइक था, लेकिन इनका स्पोरोफाइट हम देखें तो किस तरीके से देखने को मिलता है, तो इनका स्पोरोफाइट जो है वो डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इंटू, एक तो इसके पास क्या होगा, फुट होता है, और दूसरा इसके पास सिर्फ कैप्सूल होता है, यानी कि अगर आप देखो तो इनके स्पोरोफाइट में सीटा का क्या रहता है, एब्सेंस रहता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लीवर वर्ट का जो स्पोरोफाइट था अगर आपको याद हो तो वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट पे, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता गैमेटोफाइट पे। दैट इज़ अ वेरी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलता है होर्न वर्ट का, कि स्पोरोफाइट जो होता है होर्न वर्ट का इज Not completely dependent on its gametophyte. इनकी gametophytes के ऊपर completely depend नहीं करता, इसीलिए इनके sporophytes को हम क्या बोलते हैं, इनके sporophytes को semi parasite बोला जाता है, सेमी पैरासाइट। सेमी पैरासाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज इट्स स्पोरोफाइट जो है इज फोटोसिंथेटिक। इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना,
फोटोसिंथेटिक होता है, दैट मीन ये अपना खाना तो खुद बना लेगा, ठीक है, बट अभी भी ये डिपेंड जरूर कर रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के लिए, यानी कि फूड के लिए तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अपना खाना खुद बना लेगा, यानी कि ये मैन्युफैक्चर कर सकता है अपना खुद खाना, मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, ठीक है, सो इट डज नॉट डिपेंडेड ऑन गैमेटोफाइट, इसके लिए फॉर फूड, ठीक है, लेकिन ये सेमी पैरासाइट है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिपेंड तो कर रहा है, फूड के लिए तो नहीं कर रहा, फिर ये किसके लिए कर रहा है, इट डिपेंड ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट, वाटर और हैबिटेट के लिए जरूर ये डिपेंड करता है, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि ये एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता, ठीक है, अब जो हॉर्नबॉल्ट है इनका हमें देखने को मिला है कि इनके पास फुट और कैप्सूल होते हैं और कैप्सूल के ऊपर स्पेशल टाइप की मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, ड्यू टू द एक्टिवनेस ऑफ दिस मेरिस्टेम कैप्सूल बड़ा ही जल्दी ग्रो करता है, और ये किस फॉर्म में ग्रो करता है, एज अ हॉर्न लाइक ऑफ एनिमल्स, दैट्स व्हाई इस क्लास के मेंबर को हम हॉर्नबॉल्ट के नाम से जानते हैं, तो ये भी हॉर्नबॉल्ट के अंदर एक खास बात है कि हॉर्नबॉल्ट का जो कैप्सूल है ना, इसके कैप्सूल के ऊपर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है, कैप्सूल के बेसल पार्ट में, यानी कि बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज प्रेजेंट, और इस मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू द एक्टिवनेस ऑफ दिस मेरिस्टेम द कैप्सूल ग्रोज रैपिडली, बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, और इस तरीके से ग्रो करता है कि कैप्सूल जो ग्रो करेगा, इट ग्रोज लाइक द हॉर्न ऑफ एनिमल्स, इसीलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, हॉर्नबॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं हॉर्नबॉल्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो दो एग्जाम्पल रहते हैं, एक तो है नोटोथाइलस और एक है एंथोसेरोस, एंथोसेरोस एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से हमारे पास हॉर्नबॉल्ट भी क्लियर होता है, तो हॉर्नबॉल्ट की जो मेन बॉडी थैलस जैसी ही पड़ी है अभी भी, लेकिन इसके ऊपर स्केल्स नहीं होते, राइजोइड एज सिमिलर लीवरवर्ट है, स्पोरोफाइट के अंदर फुट और सीटा, फुट और कैप्सूल ही प्रेजेंट होता है, सीटा यहाँ पे एब्सेंट है, कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता इनका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेमी पैरासाइट बोला जाता है, क्योंकि ये अपना खाना तो खुद बना लेगा, लेकिन वाटर और हैबिटेट के लिए अभी भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पे। दूसरा, इनके कैप्सूल के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो है मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम बड़ी जल्दी ग्रो करके इनका जो कैप्सूल है वो इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है कि वो ऐसे लुक लाइक अ होल्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड क्लास जो है ब्रायोफाइट की वो भी कंप्लीट होती है, फिर आती है हमारे पास थर्ड क्लास, ठीक है, और थर्ड क्लास का नाम है ब्रायोसिडा, ठीक है,
ब्रायोप्सिडा जो है सबसे डेवलप्ड क्लास मानी जाती है, और ब्रायोप्सिडा के मेंबर को हम मॉसेस के नाम से भी जानते हैं। जितने भी मॉसेस है बेसिकली वो इसी क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉसेस। दैट मीन इनकी जो प्लांट बॉडी होती है मॉसेस की, उनका जो गैमेटोफाइट है इनकी मेन प्लांट बॉडी काफ़ी डेवलप रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकी इनके फर्स्ट जो सेक्टर गैमेटोफाइट जो कि हैप्लोइड, और आप बोल सकते हो ये इनकी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी। अब तक की जो हमने हॉर्नबर्ट और लेवनबर्ट के अंदर मेन प्लांट बॉडी देखी थी वो थैलस लाइक थी, लेकिन इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और प्लस राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स। जो अभी हमने डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल देखा था वो बेसिकली हम लोगों ने ब्रायोप्सिडा के ही मेंबर का देखा था, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहले हम एक बारी ब्रायोप्सिडा का ना वापस से डायग्राम देखते हैं किस तरीके से उस लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देखो, ये थी मेन प्लांट बॉडी, ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, और इस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर आप देखोगे इसके ऊपर तो आपको सारी चीज़ें बड़ी ही क्लियरली अपीयर होगी, ठीक है। आप इस बॉडी के ऊपर देखो तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये है राइजोइड्स, ठीक है, राइजोइड्स देखो ब्रांच भी दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है, राइजोइड्स, जो कि इसके अंदर एज ए रूट लाइक स्ट्रक्चर यही होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एज ए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी ही क्लियरली आपको क्या है, लीव्स देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पे लीफ है। तो ये बेसिकली हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, मॉसेस का एग्जांपल देख रहे हैं। तो मॉसेस की जो मेन प्लांट बॉडी यानी कि मेच्योर जो गैमेटोफाइट है वो बेसिकली इस तरीके से लीव स्टेम एंड जो रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं क्लियरली देखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया था लीवरवर्ड और हॉर्नवर्ड का जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है, उसके अंदर इतनी क्लियरली अपीयरेंस नहीं देखने को मिलती। प्लांट किंगडम का ये पहला और आखिरी गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर इस तरीके की रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो लीफी गैमेटोफाइट की प्रेजेंस ब्रायोफाइट के अंदर एक यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इनका जो राइजोइड्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि इनकी इनकी जो राइजोइड्स हैं वो कैसे होते हैं। अभी तक हम लोगों ने हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट के राइजोइड्स देखे थे। हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट के जो राइजोइड्स थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे और अनब्रांच्ड थे, राइट। इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं पहली चीज़ तो, ठीक है, और दूसरा ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो बाकियों से क्या हो चुके हैं, अभी डेवलप हो चुके हैं। दूसरी चीज इनके ऊपर मैंने पहले भी बताया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके मेन गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है मॉसेस का, जो कि पूरे प्लांट किंगडम में यूनिक है कि गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंस ऑफ लीफ इन स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट इज़ ए यूनिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसेस, क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम के अंदर कोई भी गैमेटोफाइट नहीं है जिसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है। दैट इज़ अ नोट करने वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है द प्रेजेंस ऑफ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस बिकॉज इन प्लांट किंगडम एनी गैमेटो
फाइट डू नॉट हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दैट इज अ वेरी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स. आपको मैंने पहले भी बता दिया, ये बड़ा ही यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है कि इनके गैमेटोफाइट पे हमें लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. ठीक है, तो मोसेस का ये एक खास बात होगी. दूसरी, मोसेस के जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनका स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं स्पोरोफाइट कैसा होता है. तो स्पोरोफाइट अगर हम देखें इनका गैमेटोफाइट के बाद में जो स्पोरोफाइट है वो किस तरीके से होता है, तो इनका जो स्पोरोफाइट है वो मोसेस का काफी इलोबरेटेड होता है. ठीक है, मोर इलोबोरेटेड यानी कि डेवलप्ड होता है. ठीक है, कंपेयर देन इन लीवर वर्ट एंड हॉर्न वर्ट. ठीक है, इनका जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइडेड होता है किसके अंदर, फुट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीटा भी देखने को मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैप्सूल भी यहाँ पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो भी सेमी पैरासाइट होता है हॉर्नवर्ट की तरह, सेमी पैरासाइट है लाइक हॉर्नवर्ट. तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेमी पैरासाइट स्पोरोफाइट जो है किस में नहीं होता, तो लीवर वर्ट में नहीं होता, हॉर्नवर्ट में और मोसेस के अंदर तो ये सेमी पैरासाइट होता है. तो मतलब इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो अपना खाना खुद बना लेगा, लेकिन जो है वाटर एंड जो हम बोल सकते हैं हैबिटेट के लिए इसको अभी भी किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, गैमेटोफाइट पे. तो इसका मतलब ये सेमी पैरासाइट है, तो मतलब इनका जो कैप्सूल होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है. तो इनका स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो अपना खाना खुद से बना लेगा. लेकिन इनके पास क्या होता है कि स्पेशल फूड और हैबिटेट के लिए अभी भी इनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड करना पड़ रहा है. ठीक है, इनके पास स्पोरोफाइट जो है मॉसेस का, इनके पास स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए एलोबरेट मैकेनिज्म होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि एज अ डिस्पर्जिंग ऑफ स्पोर में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं मोसेस के, ये इनके पास एलोबरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्जन के लिए, हैव elaborate mechanism of spore dispersal. ठीक है, और इसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके कैप्सूल के ऊपर एंड इन मॉस स्पोरोफाइट विच हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर्सल. ठीक है, तो इस तरीके से जो लीवर वर्ट है इनके अंदर हमें यूनिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है मोसेस के अंदर, सॉरी लीवरवर्ट में तो हो चुका था, मोसेस देख रहे थे. तो इनका गैमेटोफाइट काफ़ी डेवलप्ड है, लीफी गैमेटोफाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. स्पोरोफाइट सेमी पैरासाइट ही होता है, काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, स्टोमियल पेरिस्टोमियल टीथ जो कि स्पोर डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर बेसिकली लीवरवर्ट में तो नहीं देखने को मिल रही थी. अब हम देखते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमिना कैसे होती है, रिप्रोडक्शन
ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि पहला जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो फ्रेगमेंटेशन और दूसरा बर्निंग। ठीक है, जो कि प्रोटोनिमा के अंदर बनता है, एक तो आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन की फिनोमिना और दूसरी जो होती है इसके अंदर बडिंग की फिनोमिना होती है। और बडिंग हमने देखा था प्रोटोनिमा या सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे बोल सकते हो कि बडिंग कहाँ अराइज होती है, अराइज ऑन प्रोटोनिमा। ऑप्शन में कभी कभी सेकेंडरी प्रोटोनिमा दिया होता है तो भी आंसर सही माना जाता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर बड जैसे स्ट्रक्चर बनती है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे भी सेक्स ऑर्गन वही प्रेजेंट होंगे, पहली चीज एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें पता है, एंथ्रीडिया यहाँ पे मेल और आर्किगोनिया एज ए फीमेल, तो ये मेल और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। ठीक है, तो टिप पे हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है इनके सेक्स ऑर्गन्स की। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको उस लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसके अंदर देखें तो आप देखोगे कि ये जो मेन गैमेटोफाइट है, ये जो है मेन गैमेटोफाइट, इसके ऊपर ये जो टिप है, ये इसकी जो लीफी शूट है, इस लीफी शूट के ऊपर रीजन पे अगर आप देखोगे फीमेल, और यहाँ पे भी अपर रीजन पे मेल गैमेटोफाइट, यानी कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का फॉर्मेशन इस तरीके से शूट टिप पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की प्रेजेंस है। अब ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के अंदर स्पर्म और एग का फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट, फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है जो गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि ये जो गैमेटोफाइट है इसके ऊपर ही स्पोरोफाइट के अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के ऊपर अगर आप देखो तो इस तरीके से ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पेरिस्टोमियल टीथ बोलते हैं, और ये जो है वो स्पोर डिस्पर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे जब यहाँ पे स्पोर डिस्पर्स होते हैं और फिर जाके वो क्या है, जर्मिनेट होते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, और प्रोटोनिमा पे इस तरीके से बड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये बड आगे जर्मिनेट होके मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से ये बड जर्मिनेट होके यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो लाइफ साइकिल है वो हमें मॉसेस का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, लेकिन लीवर वर्ट और जो हॉर्न वर्ट होते हैं उनके अंदर स्पोर जो होते हैं वो डायरेक्ट ही किसमें मैच्योर हो जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों क्लासेस देख ली। अगर हम डायग्राम देखें इनका तो कुछ इस तरीके से है। तो आप यहाँ पे ब्रायोफाइटा के जितने तीनों क्लासेस थी, यानी कि मोसेस था, ठीक है, मोसेस है, लीवर वर्ट और हॉर्न वर्ट, ये सबसे पहली क्लास देखी थी, तो आप देख पा रहे हो इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल थैलस लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, इस थैलस के ऊपर गैमा भी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है किसकी दिख रही है, गैमा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आर्किगोनिया और एंथ्रीडियो भी देखने को मिल रहा है। मोसेस के अंदर देखोगे थैलस लाइक बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये इनके क्या है, कैप्सूल है, और कैप्सूल इस तरीके से ग्रो करते हैं कि वो हॉर्न लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न वर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर ये आते हैं मॉसेस, तो मॉसेस के नीचे का जो ये पोर्शन है ये तो क्या है, गैमेटोफाइट,
और वो भी कैसा, लीफी गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो कि हैप्लोइड है। और इनके अपर रीजन के ऊपर इस तरीके से क्या बन रहे हैं, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या है, कैप्सूल रीजन है, ठीक है, और ये सीटा रीजन है, और फुट से ये अटैच रहते हैं। तो इस तरीके से मॉसेस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट हमें देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी का अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास फ्यूनेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हो इजीली कि ये जो नीचे की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है, हैप्लोइड है, ठीक है, जिसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट है, मेन एक्सिस एज अ स्टेम प्रेजेंट है, और लीफी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है, लीव्स, और लीव्स के टिप पर आर्किगोनिया एंथ्रीडियाफोर बनते हैं, जो फ्यूज करके जायगोट और एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर है। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ से अटैच रहते हैं, किसके हेल्प से, फुटा से, फुट से, फिर आता है सीटा जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन होता है कैप्सूल जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, स्पोर मदर सेल्स को कैरिंग कर रहे होता है, जो कि आपके मियोसिस करके स्पोर फॉर्मेशन का काम करते हैं। स्पोर जो होते हैं वो डिस्पर्स होके न्यू ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन या न्यू मॉसेस का फॉर्मेशन करते नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है एनसीईआरटी ने दो मोसेस का डायग्राम दिया है, एक तो फ्यूनेरिया का और एक स्फैग्नम। स्फैग्नम का गैमेटोफाइट दिखा रखा है, जो कि एक लिफी गैमेटोफाइट आपको क्लियरली अपियरेंस होगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ भी है। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, फ्यूनेरिया। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल देख रहे हैं मोसेस के, ठीक है। तो मोसेस के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम कौन सा देख रहे हैं, फ्यूनेरिया का। तो फ्यूनेरिया को हम किस नाम से जानते हैं, फ्यूनेरिया को रॉक मॉस, कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके क्या है, कॉमन नेम है। फ्यूनेरिया को या तो रॉक मॉस बोला जाता है या फिर इसको कॉर्ड मॉस बोला जाता है और या फिर इसको ग्रीन मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्यूनेरिया आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। सेकंड एग्जांपल देखें हम यहाँ पे मॉसेस का, तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आता है पॉलीट्राइकम। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ पॉलीट्राइकम, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि पॉलीट्राइकम को हम हेयर कप मॉस के नाम से जानते हैं, हेयर कप मॉस के नाम से जाना जाता है। फिर थर्ड जो हमारे पास डायग्राम आता है, जो थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास है, वो सबसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है स्फैग्नम। स्फैग्नम, और जो स्फैग्नम है वो इस तरीके से फैला होता है जैसे कि बॉग लाइक ग्रो करता है, एसिडिक बॉग की तरह। तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, बॉग मास के नाम से जानता है। ये मतलब बुरी तरह से फैल जाता है दलदल की तरह, तो इसलिए इसको, यानी कि इट लाइक्स टू ग्रो ऑन एसिडिक बॉग, ठीक है। तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कारपेट बॉग मास भी बोलते हैं, कारपेट मास भी बोलते हैं। मैंने बोला ना कि ये पूरी तरीके से ऐसे पूरा स्प्रेड हो जाता है एज ए कारपेट ऑन बॉग, ड्यू टू विच द स्पर्म कैन नॉट बी इजिली सीन, ठीक है। पूरा का पूरा ये फैल जाता है, मतलब जो भी रीजन रहता है उसके ऊपर, जो एसिडिक बॉग होता है उसके ऊपर इस तरीके से, यानी कि दलदल जो होता है उसके ऊपर इस तरीके से ग्रो कर देता है कि जैसे कि ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा कारपेट है बिछ गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कारपेट मॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा जो इसका नाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, इसको पिट मॉस के नाम से भी जानते हैं। पिट मॉस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्फैग्नम का जो यूज़ है वो पिट फॉर्मेशन में भी किया जाता है। तो बेसिकली पिट मॉस इसको क्यों बोलते हैं, रीज़न क्या है, स्फैग्नम जो है वो एसिडिक मार्सी एरिया, यानी कि मैं भी बोल रही थी बॉग पे ग्रो करता है, मार्सी मतलब दलदली यानी कि एरिया में ये ग्रो करता है। तो ये क्या करता है कि पहले देखते हैं कि जो स्फैग्नम है
often grows in acidic marshes. ठीक है, यानी कि जो दलदली भूमि होता है वहाँ पे ये ग्रो करता है. वहाँ के जो ओल्ड डेड पार्ट है मास के और जो मार्शी प्लांट्स है ये धीरे धीरे कार्बोनाइज्ड हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं और फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं 1000 ईयर्स के अंदर, और फिर ये स्पॉन्जी मॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे पिट बोला जाता है. तो मैं यहाँ बता दूँ कि पिट किस तरीके से बनता है. तो जो ओल्डर डेड पार्ट है किसका, स्फेग्नम का, ऑफ मॉसेस एंड अदर मार्शी जो प्लांट्स हैं गॉट स्लोली कार्बोनाइज्ड. ठीक है, उसके बाद में ये धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड फिर ये फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, काफी लंबा समय लगता है इन सबको, ये सारी फिनोमिना करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड हैव प्रोड्यूस्ड ए डार्क स्पॉन्जी मास जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड पिट. इसको हम क्या बोलते हैं, जो डार्क स्पॉन्जी मास होता है इसको हम किस बोलते हैं, पिट के नाम से जानते हैं. और जो ये पिट होता है ये कैसा होता है, पिट इज अ ड्राइड कंप्रेस्ड एंड कट टू फॉर्म ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं इस पिट के. और जो ये ब्लॉक होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, पिट ब्लॉक बोला जाता है. और इन पिट ब्लॉक्स का यूज कहाँ किया जाता है, यूज्ड एज अ फ्यूल इनको यूज किया जाता है. ठीक है, और प्लस एज अ फ्यूल भी, एंड ये एज ए पिट जो होता है गुड मैन्योर के फॉर्म में भी यूज होता है, गुड मैन्योर. ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि स्फेग्नम जो है पिट मॉस के फॉर्म में भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये जो है वो पिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इसके अलावा जो स्फेग्नम है इसको हम एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोलते हैं. तो स्फेग्नम के क्या क्या नाम आ चुके हैं हमारे पास, पहला नाम इसको बोग मॉस, दूसरा इसको कारपेट मॉस और तीसरा इसको पिट मॉस के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इसके अलावा स्फेग्नम का एक फोर्थ नेम भी है. स्फेग्नम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. स्फेग्नम को हम एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोला जाता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन. रीजन समझ में आएगा अभी आपको, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, सो इनकी अगर हम बात करें क्यों बोलते हैं, यानी कि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो ड्राई स्फेग्नम होता है, स्फेग्नम हैज ग्रेट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. ठीक है, और ये इनका काफी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स फीचर होता है. लगभग ये अपने ड्राई बेड से भी ज्यादा, यानी कि 16-26 टाइम मच वाटर एज देयर ड्राई बेड से भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है. यानी कि स्फेग्नम प्लांट्स जो होते हैं कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम 16-26 times as much water as their dry weight.
ठीक है, ड्यू टू दिस अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका जो यूज है वो अलग अलग एरिया में किया जाता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी में भी इसका यूज़ किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा कि जो जो सिडलिंग्स होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, उनका जो प्रोपगेशन है वो भी इन्हीं की, इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। इनको कॉटन मॉस के नाम से भी इसीलिए जाता है, या एब्जॉर्बेंट कॉटन या कॉटन मॉस इनको बोला जाता है। इस करेक्टरिस्टिक्स जो है अब एम्प्लॉयड किया जाता है गार्डनिंग में, तो ठीक है, तो जो न्यू प्लांट्स होते हैं या कट प्लांट पार्ट होते हैं वो इनके अंदर रखे जाते हैं, प्रोपेगेट किए जाते हैं, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। तो इसलिए गार्डनर्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। तो इस तरीके से स्फैग्नम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है। हमने मॉसेस के कुछ एग्जाम्पल किए हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम है, और स्फैग्नम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहता है। अब देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ब्रायोफाइट्स का बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो जैसे कि मॉसेस होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, इनके बर्ड्स को, मैमल्स को। स्फैग्नम जो है वो पिट प्रोवाइड करता है, जो कि एज अ फ्यूल और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण एज अ पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, ड्रेसिंग में इसका यूज़ किया जाता है, गार्डनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। मॉसेज जो होते हैं लाइकेन के साथ मिलके कॉलोनी बनाते हैं रॉक्स के ऊपर, और इनके पास ये इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है, जो कि सॉइल इरोजन के अंदर और सॉइल फॉर्मेशन में ही अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, लास्ट टॉपिक है वो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा। पहला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आएगा, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं स्पेशली मॉसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा और डेंस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, जब भी सॉइल इरोजन करते हैं अगेंस्ट द फॉलिंग रेन्स, तो प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सोइल इरोजन को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सेकंड, वैसे तो इनका बहुत कम यानी कि लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहती है, ठीक है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। सेकंड, अगर हम देखें तो इनका जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में कैसे, तो मैं आपको बता दूँ कि जो मॉसेस होते हैं वो किसके साथ मिलके, यानी कि जो मॉसेस अलोंग विद लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू क्लोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली रॉक के ऊपर जाके फिर उसके अंदर ये सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम देखें इनके अंदर और क्या यूज़ है, तो जो थर्ड यूज़ आता है हमारे पास इनका, इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, होने की वजह से इनका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, तो पहली चीज़ ये वोल्डन होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने के वजह से इनको एज ए पैकिंग मटेरियल में इसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करना है अगर हमें लिविंग मटेरियल का फॉर
ट्रांसमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि पानी अच्छा है तो लिविंग मटेरियल उसमें जिंदा रहेगा। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे होने के कारण इसका गार्डनर्स काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। गार्डनर्स जो होते हैं इनको इनके अंदर गार्डनर्स टू कीप सीडलिंग्स एंड कट प्लांट्स मोइस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपगेशन। ठीक है, स्फैग्नम का जो यूज़ है, इसके अलावा आप देखो वोल्टर एज ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर देखी जाती है। वोल्टर होल्डिंग कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन इनके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज़ जो कि ड्रेसिंग में यूज़ होती है। इसके अलावा अगर हम देखें इनके पास नेक्स्ट जो है, ये पिट फॉर्मेशन करता है जो एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। इससे किसका फॉर्मेशन होता है? पिट का फॉर्मेशन होता है। और पिट जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, एज ए गुड मैन्योर भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फिफ्थ इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहता है कि कुछ ऐसे मॉसेस होते हैं जो एज ए फूड रिसोर्सेज भी काम करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मॉसेस होते हैं, मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स, हर्बेशियस मैमल्स कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हैं और अदर एनिमल है, तो इनके लिए भी एज ए ये गुड सोर्स रहता है फूड का। ठीक है, ये डिकम्पोज कर देते हैं रॉक को और सबस्ट्रेट के अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं हायर प्लांट के अंदर, तो ये भी इनका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो जो ये एज ए डिकम्पोजर भी एक्ट कर सकते हैं, डिकम्पोज रॉक्स और मेकिंग द सब स्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो जो मॉसेस होते हैं इनको डेंस मेट ऑफ द सॉइल भी बोला जाता है। ये रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, यानी कि प्रिवेंट भी करते हैं सॉइल इरोजन, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताई दिया था। तो इस तरह की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रहती है ब्रायोफाइट्स की, जो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, सॉइल फॉर्मेशन को। इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसका भी यूज़ हम डिफरेंट जगह कर सकते हैं। पिट फॉर्मेशन भी इनसे किया जाता है और ये एज अ फूड सोर्स भी यूज़ होते हैं। ये सूटेबल इन्वायरमेंट भी प्रिपेयर करते हैं हायर प्लांट्स के लिए, तो ये डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को। तो इस तरह के ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा डेवलप्ड हैं उनसे, तो जो एल्गा है इनसे, लेकिन अभी भी ये वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि इनकी जो डोमिनेंट स्टेज है, ध्यान रखना ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है वो एक हैप्लोइड स्टेज है, एक गैमेटोफाइट है। ठीक है, लेकिन वो गैमेटोफाइट भी थोड़ा यूनिक करेक्टरिस्टिक्स लेके बैठा है, क्योंकि लीफी गैमेटोफाइट है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट के देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक एम्फीबियन भी माने जाते हैं, लीफी गैमेटोफाइट इनके पास प्रेजेंट है। तीसरा इनका यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है कि इनका जो स्पोरोफाइट है, इनका डिप्लोइड स्टेज जिनके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो हैप्लोइड स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये दो तीन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ब्रायोफाइट के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल में मार्केंशिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम, चार मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो कि ब्रायोफाइट्स में
अमूमन एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ब्रायोफाइट्स है वो कंप्लीट होता है। एल्गा और ब्रायोफाइट दो हमने प्लांट ग्रुप डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स अनडाउटेडली ब्रायोफाइट से तो ज़्यादा डेवलप होंगे, यानी कि क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई है अब ब्रायोफाइट से ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में। और लेकिन फिर भी ये एक बेस्ट हायर डेवलप्ड प्लांट के अंदर नहीं रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।